गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सिक्स। आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेकंड, वर्ण विचार। मतलब हमें पढ़ना है वर्ण। वर्ण आप जानते हैं कि वर्ण क्या कहलाते हैं। वर्ण वे कहलाते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। आज हम इसी वर्ण पर विचार करेंगे। वर्ण क्या कहलाता है, वर्ण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आज हम इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है बच्चों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम उसकी मूल ध्वनियों को सीखना आवश्यक है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे तुम झूला झूलो। इस वाक्य के प्रत्येक शब्द के खंड करके देखिए। तुम तो ता धन उ धन मा धन आ, झूला झा धन उ धन ला धन आ, झूला झा धन उ धन ला धन आओ। उपयुक्त प्रत्येक शब्द में कई ध्वनियाँ हैं जो इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यही ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। वर्ण कौन कहलाता है, ध्वनियाँ। ध्वनियाँ क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है, जिनके टुकड़े और नहीं किए जा सकते। ये शब्द थे, इनको जब तुमने जब अलग अलग किया तो इनके और ज़्यादा टुकड़े और इनको अब इससे अधिक छोटा नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए आप ही अपनी नोटबुक में और इस तरह परिभाषा लिख लीजिएगा। अब आता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या कहलाती है, भाषा की ध्वनियों के व्यवस्थित समूह वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की ध्वनियों के व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या कहलाता है, स्वर वे वर्ण हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बोले जाते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बोले जाते हैं। उनका उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी की वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। जैसे जैसे मैंने अंडरलाइन किया है, आप भी अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। तो स्वर कितने, मतलब स्वर क्या कहलाते हैं, स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके जो किसी बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं, ये इनको बोलने में, इनको उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर 11 होते हैं। ठीक है, ये परिभाषा लिख लीजिएगा। जैसे आ, छोटा आ, बड़ा छोटी, बड़ी छोटा, ऊ बड़ा, ऊ ऋषि, ए ऐ ओ आ। तीन स्वर तीन प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुस स्वर। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुस स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या कहलाता है, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में कम एक मात्रा काल से कम का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ये संख्या में चार हैं, जैसे आ ई ऊ, मतलब छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ, इनको बोलने में कम समय लगता है। जैसे इनका उच्चारण कीजिए आ, तो कम समय लगा। अगर हम कहते हैं आ, तो आ से आ अधिक समय लगा, है ना। तो ये ह्रस्व स्वर जिनमें कम समय लगता है, जिन शब्दों के, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर क्या कहलाते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में सात होते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ आ। इसके बाद आता है प्लुस स्वर। प्लुस स्वर क्या कहलाता है, जिन प्लुस स्वर कहलाता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुस स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुस स्वर कहते हैं, जैसे ओम। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए, आया समझ में। तो ह्रस्व स्वर क्या कहलाता है, जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा काल से कम का समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाता है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल से अधिक का समय लगता है, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋषि आदि। ठीक है, बड़ा ऊ, ए ए ए ओ औ, ये किस में आएंगे, दीर्घ स्वर में आएंगे। और ह्रस्व स्वर में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि ह्रस्व स्वर में आएंगे। प्लुस स्वर, ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है इन्हें प्लुस स्वर कहते हैं। जैसे ओम का जब उच्चारण करते हैं तो ये किस में आते हैं, प्लुस स्वर में आते हैं। अब है स्वरों की मात्राएं। तो स्वरों को हम मात्राओं के रूप में लिखते हैं। जब पूर्ण व्यंजनों के साथ स्वरों के चिन्हों का प्रयोग करते हैं उनकी मात्रा कहा जाता है। आ को छोड़कर अन्य किसी स्वरों के लिए मात्रा चिन्ह निश्चित है। जैसे स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित हैं। स्वर है, जैसे छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, ये स्वर दिए हुए हैं, उनकी मात्राएँ दी हुई
हैं, मात्रा सहित व्यंजन दिए हुए किस तरह इनका इस्तेमाल किया जाता है, फिर उदाहरण दिए हुए कि किस तरह शब्द बन जाते हैं। इसके बाद आता है अयोगवाक, अंग तथा आहार, ये दोनों ध्वनियाँ ना तो स्वर है और ना व्यंजन है, इन्हें अयोगवाक कहते हैं। तो अयोगवाक क्या कहलाए, अयोगवाक वे वर्ण कहलाए जो न स्वर होते हैं और न व्यंजन होते हैं, वो अयोगवाक कहलाते हैं। तो ये कौन है, अंग और आहार, ये किस में आएंगे, अयोगवाक में आएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है अनुस्वार, अनुस्वार अंग की मात्रा को कहते हैं। संयुक्त व्यंजन के रूप में आ रहित पंचमा अक्षर जब अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन के से पहले जुड़ता है तो उसे अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। जैसे या रा लावा शाका सा से पूर्व सम उपसर्ग लगने पर अधम स्वर रहित माँ के स्थान पर अनुस्वार अंग ही लगता है। उदाहरण संलग्न, संहार, संसार, संशय, संयोग, संवाद, संरक्षण आदि। अनुनासिक क्या कहलाता है, अनुनासिक चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहा जाता है और इसका उच्चारण नाक और मुँह की सहायता से किया जाता है, जैसे चामंद, गाँव, दामद आदि। इसके बाद आता है विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण लगभग हा के समान ही किया जाता है। इसका स्वरूप दो बिंदुओं विसर्ग के रूप में होता है। इसका प्रयोग प्रायः शब्द के अंत में किया जाता है। व्यंजन, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन क्या कहलाते हैं, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब व्यंजन वे वर्ण हैं जो किसी अन्य वर्ण की, जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। सभी व्यंजनों को आज सहित बोला जाता है। स्वर रहित व्यंजन दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है। अगर स्वर रहित व्यंजन लिखना है तो उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। इस प्रकार व्यंजन के भी दो रूप हैं, जैसे क, प, आ सहित व्यंजन, और ये जैसे क और प लिखा है तो आ रहित व्यंजन। हिंदी में व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो ये देखिए, आपको बताया गया ये जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, ये पाँच वर्गों में बांटा गया है व्यंजन को। तो ये जो पाँच वर्ग थे, क वर्ग इन्हीं के पहले अक्षर के हिसाब से पाँचों वर्ग को रखा जाता है। तो ये कितने होते हैं, 25 होते हैं। इसके बाद आता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जिनमें जीवा जिनमें स्पर्श करती है, मुख के जिस भाग का स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन जो वर्ण ना स्वर न स्पर्श होते हैं ना ऊष्म होते हैं, वो अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, बीच वाले व्यंजन, जैसे कि या रा लावा, उस व्यंजन जिसमें मुख से ऊष्मा निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण से मुख से ऊष्मा निकलती है, उस व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या कहलाया, स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन कहलाया जिसमें जीवा जो है मुख का स्पर्श करती है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा मुख का स्पर्श करती है उनको स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बीच वाले व्यंजन जिनको ना स्पर्श व्यंजन है और ना उस व्यंजन है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या अलावा उस व्यंजन वो व्यंजन कहलाते हैं जिससे जिनको उच्चारण मुख से ऊष्मा निकलती है। इसके बारे में डिटेल में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आपकी में इतना ही दिया हुआ है। संयुक्ताक्षर क्या कहलाते हैं, एक से अधिक व्यंजनों के मिलने से बने व्यंजनों को संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छा दिया हुआ है तो स्वर रहित का और प्लस शा, स्वर रहित शब्दों वाला शा प्लस आ मिलकर के क्या बना, छा बना। इनको हम क्या कहेंगे, संयुक्ताक्षर, मतलब संयुक्त मतलब मिलाकर, अक्षरों को मिलाकर क्या कह बनने वाले वर्ण को क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो देखिए जैसे का प्लस शा धन आ क्या मिल बना, छा बना। इस तरह ग्या, ग्या बनता है स्वर रहित जा प्लस इया प्लस आ मिलकर के क्या बना, ग्या बना। तो ग्या से शब्द बना ज्ञानी, छा से बना क्षमा। जैसे त्रा से, त्रा किससे मिलकर बनता है, स्वर रहित ता प्लस स्वर रहित रा प्लस छोटा आ मिलकर के क्या बना, त्रा बना। इसी तरह श्रा, स्वर रहित शा प्लस स्वर रहित रा प्लस छोटा आ बन मिलकर के क्या बना, श्रम शब्द बना, श्रम। व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। व्यंजनों की कुल संख्या अंडरलाइन कीजिए कितनी होती है, 33 होती है। परंतु ड और ढा हिंदी की कुछ विशेष ध्वनियाँ हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी में कुछ अन्य ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अनुस्वार, पतंग, चंद्र, कंठ, संत आदि। अनुनासिक चांद, पाँच, सांप, कांच। विसर्ग अतः, प्रातः, विशेषता, सामान्यतः। तो ये जो दो बिंदु है इन्हें हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। और चंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं उसे हम अनुनासिक कहते हैं, और अंग की मात्रा जो लगाते हैं तो उसे हम अनुस्वार कहते हैं।
इसके बाद आता है अर्धचंद्र, बॉल, चौक, डॉक्टर, ये इसे हम आगत आगत शब्दों में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अंग्रेजी में लिखना रहता है, हम जब डॉक्टर हिंदी में लिखते हैं तो डॉक्टर को लिखते समय ऊपर ये आधा चांद ये लगा दिया जाता है, इसे हम अर्धचंद्र कहते हैं या आगत चिन्ह भी कहते हैं। नुक्ता मतलब एक छोटी सी बिंदी होती है, जैसे वजीर लिखना है तो जाके नीचे ये बिंदी लिखी हुई है, इस बिंदी का नाम क्या है, नुक्ता है। जैसे देखिए नज़र, नज़र में भी बिंदी रखी हुई है, इसको हम नुक्ता कहते हैं। तो ठीक है, आज आपने क्या जाना, अनुस्वार जाना, अनुनासिक जाना, विसर्ग जाना, अर्धचंद्र और नुक्ता। इसके बाद है आगे आपका संयुक्त वर्ण, इसे पढ़ेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही।